हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे ते सामर्थी परमेश्वर जी, प्रभु जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे महान जिंदा परमेश्वर जी, अज दे इस सुंदर समय दे लई प्रभु जी, जो तुसी अपने बच्चियां दे लई ठहराया मेरे महान परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा जी, मैं तुहाडा दिल तो धन्नवाद करदा कि प्रभु जी तुसी सानू सब नू इस योग्य समझा कि प्रभु जी असी अज दे इस सुंदर और पवित्र दिन नू देख सकीए मेरे महान परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी, मैं तुहाडा दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि खुदा तुसी सानू सब नू खुदा इस प्रार्थना दे विच अपने नाल इकट्ठियां कीता एक वड्डी चंगियाई दे लई, एक वड्डी बरकत दे लई मेरे जिंदा परमेश्वर जी। प्रभु सचमुच तुसी साडे नाल बहुत प्रेम करदे जी, प्रभु जी तुसी महान जी मेरे जिंदा परमेश्वर जी। खुदा तुसी कदे भी सानू कल्या नहीं छड्डदे, कदे भी अनाथ नहीं छड्डदे, हमेशा प्रभु तुसी सानू संभाल के रखते जी अपने स्वर्ग दूतां दे नाल। मेरे जिंदा प्रभु जी, सचमुच खुदा असी अपनी इच्छा जां अपनी मर्जी दे नाल प्रभु जी इस प्रार्थना दे विच भी नहीं आए, बल्कि ये तुहाडा पवित्र आत्मा है खुदा जो सानू वख वख जगहां दे उपरों लै के आया इस प्रार्थना दे विच। खुदा जी तुसी सानू शामिल कीता मेरे जिंदा प्रभु जी, क्यों जो खुदा तुसी महान जे, तुहाडे वचन च लिखिया जिथे दो जां दो तो वध मेरे नाम दे विच इकट्ठे हुंदे हन मेरा आत्मा उस जगह दे उपर मौजूद हुंदा है। प्रभु जी अज तुहाडा आत्मा इस जगह दे उपर मौजूद है साडी प्रार्थना नूं, साडी बेनती नूं सुनन दे लई, साडी प्रार्थना नूं सुन के पूरियां करन दे लई, उत्तर देन दे लई मेरे जिंदा परमेश्वर जी। खुदा तुसी हमेशा साडी प्रार्थना दा उत्तर दिंदे जे, कदे भी तुसी सानू अनसुनिया नहीं करदे प्रभु जी, कदे भी तुसी सानू अनदेखिया नहीं करदे, क्यों जो तुसी बहुत महान परमेश्वर जी। मेरे जिंदा प्रभु जी, खुदा सचमुच तुहाडे वचन च लिखिया है कि तू मैनू पुकार अते मैं तैनू उत्तर देवांगा। प्रभु जी तुसी उत्तर दिंदे जे साडी हरेक प्रार्थना दा प्रभु जी। मेरे महान खुदा, बीते समय च तुसी सानू खाण लई भोजन दिता प्रभु जी, पहनण दे लई सुंदर कपड़े दिते और साह दिते खुदा जो केवल तुहाडे वल्लों मिलदे हन। मेरे जिंदा परमेश्वर जी, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे प्रभु जी इन्हां साहां दे लई वी। खुदा सचमुच प्रभु तुसी बीते समय च सानू संभालिया, साडे परिवार नू संभालिया प्रभु जी, बच्चियां नू संभालिया खुदा सचमुच। घर आउण ते जाण दे विच रस्तियां दे विच तुसी साडी मदद और सहायता कीती खुदा, अपने स्वर्ग दूतां दे नाल साडी अगवाई कीती, हरेक बुरे राहां दे विचों बुरे समयां दे विचों तुसी सानू कढ़िया खुदा, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे जिंदा प्रभु जी। सचमुच तुसी रात पर भी खुदा सानू मिठी नींद दित्ती, रात पर भी संभालिया और प्रभु जी अज तुसी सानू मिठी नींद तो जगाया, और खुदा अज दा यह सुंदर और पवित्र दिन दिखाया प्रभु जी, जिसनू तुसी अपने महान शब्दों के द्वारा रचिया सी। मेरे जिंदा प्रभु जी, सचमुच तुसी कहा सी उजाला हो जाए तां उजाला हो गया प्रभु, तुहाडे हुक्म तुहाडे शब्द पूरे हुंदे हन मेरे जिंदा परमेश्वर जी। खुदा पूरी सृष्टि नूं तुसी अपने शब्दों के द्वारा रचिया खुदा जी, खुदा सचमुच मेरे महान प्रभु जी, खुदा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि बहुत सारे लोग अज दे इस सुंदर और पवित्र दिन का आनंद नहीं माण सके, पर प्रभु तुहाडा साडे नाल प्रेम है मेरे जिंदा प्रभु जी। सचमुच प्रभु तू मेरा बल है, तुसी सानू बल देने वाले परमेश्वर जी खुदा, तुसी सानू बुद्धि देने वाले परमेश्वर जी खुदा, सचमुच तुसी साडे मस्तक नू हमेशा उच्चा करदे जी खुदा जी, सानू पूछ नहीं सिर ठहराउंदे जी, साडी शर्मिंदगी नू दूर करदे जी मेरे महान प्रभु जी। मैं जिन्नी भी तारीफ जिन्नी भी महिमा खुदा इन्हां शब्दों के द्वारा तुहाडी करां खुदा, वो घट है, क्यों जो तुहाडे उपकार तुहाडी दया तुहाडी सामर्था
खुदा साढ़े जीवन के बहुत ज़्यादा वड्डी है। मेरे महान खुदा, मैं तुहाडा दिल तो शुक्रगुजार हाँ इन्हां महान कम्मां दे लई। प्रभु सचमुच अगर बीते समय च साढ़े कोलों किसी भी तरह की कोई बदी, कोई पाप, कोई गुनाह हो गया होवे, प्रभु जी सानू माफ़ करना, क्यों जो तुसी माफ़ करने वाले परमेश्वर जी। तुहाडे वचन च लिखा है कि जो मुँह तो अंगीकार करके अपने पापा का पश्चाताप करके हरेक पाप नू छड्डदे हन और अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरे प्रभु आ, प्रभु जी तुसी उन्हां नू माफ़ कर देंदे जी। खुदा तुसी सानू भी माफ़ किया अपने पवित्र लहू नू बहा के प्रभु जी, जो अपराधां की सज़ा, जो पाप की सज़ा प्रभु जी साढ़े उपर आनी सी, खुदा तुसी सचमुच उस सज़ा नू अपने उपर लै के सानू आज़ाद किया हमेशा हमेशा दे लई। मेरे प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदा इस आज़ादी दे लई जिंदा परमेश्वर जी। खुदा सचमुच मेरे प्रभु अज जो भी लोग इस प्रार्थना दे विच शामिल हन प्रभु जी, चाहे इस प्रार्थना नू खुदा जी पूरे विश्वास के द्वारा एक मन हो के सुन रहे हैं, खुदा तुहाडा आत्मा मेरे सामर्थी खुदा इन्हां दे जीवनां दे विच प्रभु अज अपने अद्भुत कम्मां नू प्रगट करे मेरे जिंदा प्रभु जी। इन्हां दे परिवार दे, इन्हां दे घर दे खुदा हरेक लड़ाई झगड़े अज खत्म हो जाण प्रभु जी, एक दूसरे नू माफ़ करने वाले बन जाण प्रभु सचमुच, जिस तरह तुसीं अपने वचन च सिखाया खुदा सचमुच लोग व्यभिचारी कर दी औरत नू प्रभु जी तुहाडे कोल लै के आए कि तुसीं उहनू सज़ा दो, पर तुहाडे वचन च लिखिया कि तुसीं कहा कि पहला पत्थर वह मरे जिन्हें कभी पाप नहीं किया। मेरे सामर्थी प्रभु सचमुच सब लोग चले गए और खुदा तुसीं उस औरत नू माफ़ किया मेरे सामर्थी प्रभु जी। मेरे महान खुदा तुसी सानू माफ़ करना सिखाया मेरे सामर्थी प्रभु जी। खुदा जे लोग भी एक दूसरे नू माफ़ करने वाले बन जान तां जो खुदा इन्हां दे अंदरों हरेक तरह की ईरखा, लड़ाई, झगड़ा, कमंड खत्म हो जाए यीशु दे नाम च। प्रभु तुहाडे वचन मती 6:14 दे विच लिखा, क्योंकि जे तुसी मनुखां नू उन्हां दे अपराध माफ़ कर दोगे तां तुहाडा स्वर्गी पिता भी तुहानू माफ़ कर देवेगा। खुदा सचमुच तुहाडे वचन सानू सिखाउंदे हन कि अगर असी इंसानां नू माफ़ करांगे उन्हां दीआं गलतियां तो प्रभु सचमुच तुसी भी सानू साढ़े अपराधां तो माफ़ कर दे जे, जो असी गुप्त विच कीते सन प्रभु जी। मेरे सामर्थी प्रभु तुहाडे वचन अफीसियां 4:32 दे विच लिखिया, तुसी एक दूए उत्ते कृपावान अते तरसवान होवो अते एक दूए नू माफ़ करो जिवें परमेश्वर ने भी मसीह विच तुहानू माफ़ कीता है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करदा कि खुदा ये एक दूसरे दे उपर खुदा कृपावान हो जान, खुदा सचमुच इन्हां दे अंदर एक दूसरे दे प्रति तरस आवे मेरे सामर्थी प्रभु जी, तां जो खुदा सचमुच हरेक नू माफ़ कर सकन। खुदा सचमुच इन्हां दा कठोर दिल अज खत्म हो जाए और खुदा तुहाडे आत्मा दा इन्हां नू दिल मिले जो नरम है मेरे सामर्थी परमेश्वर जी, क्यों जो तुहाडे वचन मरकुस 11:25 दे विच लिखिया, जद कदे तुसी खलो के प्रार्थना करो ता जे तुहाडे किसे नाल विरोध होवे ता तुसी उसनू माफ़ कर दो, जो तुहाडा पिता भी जिहड़ा स्वर्ग विच है तुहाडे अपराधां नू माफ़ कर देवेगा। खुदा तुसी अपने वचन च सानू बार बार सिखाउंदे जे कि हमेशा इंसान नू उहदियां गलतियां नू माफ़ करना चाहिदा है। प्रभु सचमुच बहुत सारे लोग खुदा माफ़ नहीं करते और खुदा उहनां दी लड़ाई झगड़े बहुत वध जांदे हन। मेरे सामर्थी प्रभु मैं प्रार्थना करदा खुदा कि तुहाडा आत्मा खुदा इन्हां दे अंदर प्रभु हरेक दे प्रति माफ़ी नू पैदा करे यीशु दे नाम दे विच मेरी जिंदा प्रभु जी। तुहाडे वचन कुलीसिया 3:12 दे विच लिखिया, सो तुसी परमेश्वर दियां चुनिया होया वांगू जिहड़े पवित्र अते प्यारे हन रहम दिली, दयालगी, अधीनगी, निरमाई अते धीरज नू पहन लो, अते जे कोई किसे उत्ते गिला रखदा होवे तां एक दूए दे सह लवो अते एक दूए नू माफ़ कर दवो जिवें प्रभु ने तुहानू माफ़ कीता तिवें तुसी वी करो। मेरे सामर्थी खुदा सचमुच खुदा तुसी महान जे खुदा जी, खुदा अजे एक दूसरे दे प्रति प्रभु दयालगी नू पैदा करना
अपने अंदर। खुदा इन्हां दे अंदर तुहाडे वचना दी अधीनगी पैदा हो जावे यीशु दे नाम च। खुदा सचमुच खुदा इन्हां दे अंदरों क्रोध खत्म होवे और खुदा इन्हां दे अंदर नरमाई आवे और तीरज आवे यीशु दे नाम च। मैं प्रार्थना करदा खुदा कि हरेक लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, पति पत्नी का कलेश खत्म हो जाए यीशु के नाम च। खुदा मैं प्रार्थना करना कि जो भी दुष्ट ने खुदा इन्हां दे घर दे विच इन्हां दे परिवार दे विच कलेश नूं खड़ा किया है, अज मैं यीशु मसीह दे जिंदा और सामर्थी नाम दे विच कमांड करदा खुदा। जो तुसीं सानूं अधिकार दिता है उस अधिकार नाल कि हरेक कलेश की आत्मा खत्म हो जाए इन्हां दे शरीरां दे विच उन्हां दे परिवार दे विच। प्रभु सचमुच तुहाडे वचन च लिखा कि मूसा जद तुहाडे अगे हत्थां नूं उठाउंदा सी इजराइली जंग जित जांदे सी। प्रभु मैं दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करदा कि खुदा सचमुच मेरे प्रभु जी खुदा इन्हां दे अंदरों अज वैर झगड़े मुक जाण यीशु दे नाम च। खुदा ये दुष्ट दे उपरों हरेक जंग नूं जित जाण यीशु दे नाम दे विच। मेरे जिंदा प्रभु सचमुच तुसीं साडी प्रार्थना नूं तुसीं साडी बेनती नूं हमेशा प्रभु जी सुणदे जे खुदा जी। खुदा सचमुच मेरे प्रभु इन्हां दे बच्चियां दे विचों खुदा हरेक तरह का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, परिवार दे विचों लड़ाई झगड़े खत्म हो जाण, बिजनेस दे विचों लड़ाई झगड़े खत्म हो जाण यीशु दे नाम दे विच हमेशा हमेशा दे लई। खुदा तुहाडे जीवित वचन इन्हां दे जीवनां दे विच काम करन अज खुदा 100 गुणा फल लै के आउण। तुहाडे जीवित वचन इन्हां दे मनां दे अंदर प्रभु जी सचमुच खुदा ये एक दूसरे नूं माफ़ करन वाले बन चुके हन मेरे सामर्थी प्रभु जी। मेरा विश्वास है खुदा इन्हां दे दिल अज नरम हो चुके हैं खुदा सचमुच हरेक तरह का हंकार कमंड इन्हां दे अंदरों अज खत्म हो चुका है यीशु दे नाम च। खुदा ये हरेक नाल मेल रखने वाले बन चुके हैं खुदा जी, सचमुच अपने वैरियां नूं माफ़ करन वाले बन चुके हैं खुदा। तुहाडे वचन रोमियां 12:18 दे विच लिखिया जे हो सके तां अपनी वाह लगदियां सारे मनुखां दे नाल मेल रखो। प्रभु सचमुच हरेक दे नाल मेल रखण वाले बन चुके हन मेरा विश्वास है प्रभु जी। अज इन्हां दे अंदरों हमेशा हमेशा दे लई गुस्सा खत्म हो चुका है प्रभु, तुसीं इस इन्हां दे अंदरों गुस्से नूं खत्म कर चुके जी। मेरा विश्वास है प्रभु इन्हां दे टुटे रिश्ते अज तों फिर जुड़ जाणगे यीशु दे नाम च। खुदा जो भी दुष्ट ने खिलारिया अज तुहाडे आत्मा ने फिर तो इन्होंने इकट्ठिया कर दिता यीशु के नाम च। और प्रभु जी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि तुसीं अज साडी प्रार्थना नूं बेनती नूं सुन के पूरियां कर दिता है प्रभु जी। मेरी जिंदा प्रभु जो लोग इस प्रार्थना नूं प्रभु जी सुन रहे हैं मैं प्रार्थना करदा कि खुदा ये प्रार्थना नूं बहुत सारे लोगों तक पहुँचाउण तां जो खुदा जी हरेक दे परिवार दे विचों जीवन दे विचों लड़ाई झगड़े कलेश खत्म हो जाण, एक दूसरे नूं माफ़ करन वाले बन जाण। और प्रभु मेरा विश्वास है कि ये लोग इस प्रार्थना नूं बहुत सारे लोगों तक पहुँचा चुके हैं प्रभु जी। मैं तुहाडा धन्यवाद करदा कि तुसीं अज साडी प्रार्थना नूं सुन के हमेशा दे लई पूरिया कर दिता है प्रभु जी। जो लोग अपने घरां तों निकल रहे ने रस्तियां दे विच हन, इन्हां दे बच्चे भी प्रभु जी पढ़ाई दे लई जा रहे हन, मैं प्रार्थना करदा सब दे लई कि खुदा तुहाडा आत्मा इन्हां नूं रस्तियां दे विच भी संभाले, ये सही सलामत अपने घरां च वापस आउण प्रभु जी, और तुहाडी महिमा नूं करन खुदा जी। हरेक दुष्ट दी चाल खत्म हो चाहे हमेशा हमेशा दे लई, और खुदा खत्म हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि तुसीं अज साडी प्रार्थना नूं सुन के पूरिया कर दिता, बाकी दे समय नूं प्रभु जी तुहाडे जिंदा हत्थां च देना यीशु मसीह दे जिंदा और सामर्थी नाम च मंगते हाँ। आमीन।